बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। दिस इज मोहम्मद उवैस, योर कोर्स इंस्ट्रक्टर। सो द टॉपिक ऑफ इंडक्शन मोटर इज कंटिन्यूड इन दिस लेक्चर एज वेल एज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड देर आर मेनी अदर इफेक्ट्स विच आर स्टिल लेफ्ट। So let's continue with that discussion and see what we have to offer in this lecture. Okay students, so induction motor ko hum discuss kar rahe the aur humne iski kuch power analysis ki thi apne last lecture mein. Aaj we are interested in finding out the torque speed characteristic of an induction motor. Why? Because we actually need answer to some of the following questions. Jaise ki hame we want to know ki hamare paas टॉर्क जो है इंडक्शन मोटर का वो किस तरीके से चेंज होता है जब आप लोड को चेंज कर रहे होते हैं। सिमिलरली जो आपकी मशीन है वो कितना आपको स्टार्टिंग टॉर्क दे सकती है और आपके पास स्पीड कैसे अफेक्ट होने जा रही है जैसे जैसे आप लोड शाफ्ट को इंक्रीज करेंगे। इन तमाम चीजों का इन तमाम क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए आज हम अपनी एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले हम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडक्शन मोटर को डिस्कस करते हैं, यानी कि वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन ऑफ टॉर्क इंड्यूस और इसी को एनालाइज करते हुए हम फर्दर अपनी एनालिसिस को आगे लेकर चलते हैं। ओके, सो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि जो आपके पास इंड्यूस टॉर्क है दैट इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस पैरामीटर्स, उनमें से जो एक टर्म है दैट इज योर बी नेट, ठीक है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा जी, इफ यू हैव अ लुक एट दिस सर्किट, जो इक्विवेलेंट सर्किट हमने आपको दिखाया हुआ है जिसको हम लास्ट टाइम डिराइव कर चुके हैं, यू नो that this net magnetic field is actually because of the magnetizing current which is flowing into this branch IM, theek hai। so IM ke basically IM ke do parts hai, one is this component which is flowing into the resistor and the other part is which is flowing into this X of M। so basically it's this current which actually defines ki aapke paas kitni magnetic field banne ja rahi hai aur kya ye hamare paas magnetic field same hone ja rahi hai, kya ye hamare paas vary hogi। so we are starting our discussion from this point, ठीक है। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन आईएम एंड आईएम एंड इफ यू फर्दर एनालाइज दिस यू विल सी कि आपके पास ये आईएम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बेसिकली इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस ईवन, ठीक है। सो इफ द वोल्टेज इज कांस्टेंट, दिस ईवन इज कांस्टेंट, देन दिस बी नेट विल आल्सो बी कांस्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई चेंज नहीं आने जा रहा, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपके पास क्या इवन कांस्टेंट है या नहीं है। जैसे मैंने आपसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, किसी भी एक अच्छी इंडक्शन मशीन में विच इज वेल डिजाइन, आपके पास ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनमें जो लॉस होता है वो बहुत कम होता है, इनकी वैल्यू कम होती है, तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है उसकी इवन करंट फ्लो करने के बावजूद भी यहाँ पे जो ड्रॉप होता है दैट इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। देयरफॉर what do we have is that this even is almost equal to v5 and it remains constant, theek hai। practically kuch effect aapke paas padta hai lekin hum ise constant hi assume kar lete hain kyunki iske andar jo drop hai wo bahut hi kam hai, theek hai। so if even is constant then this b net is also constant, theek hai। practically main aapko bata chuka hu ki there is some effect but wo itna zyada significant nahi hoga, therefore we will assume in for this analysis that even is approximately constant and it is not going to change as the load changes। so this is the first point from this equation। let's discuss the other effects as well। okay ji, humne b net ka effect dekh liya hai ki load ke load change karne ke upar b net ke upar koi fark nahi padne wala, theek hai, it is almost constant। now let's discuss the effect of load change on other parameters। For instance, let's see what happens on BR. What is the effect on BR as the load is changing? ठीक है, उससे पहले कुछ relationship आपको यहाँ दिखाए हुए, ठीक है, वो relationship है जो पीछे से हम drive करते आए हुए। Here this is a very important relationship, induced voltage। ये कौन से induced voltage है students? This is the voltage which is going to be induced in the rotor, ठीक है, from stator side। And in this relationship you can see this is dependent on this term V, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रिलेटिव वेलोसिटी और द रिलेटिव मोशन बिटवीन द रोटर एंड द स्टेटस मैग्नेटिक फील्ड। हियर यू कैन सी वी हैव अ रोटर, दिस इज एक्चुअली अ केज रोटर, ठीक है, जो आपको यहाँ दिखाया हुआ है, एंड इट इज एट नो लोड। इनिशियली इट इज एट नो लोड, हम इसे कंसिडर करने जा रहे हैं।
अब क्या होगा हमारे पास व्हेन इट इज एट नो लोड, द वैल्यू ऑफ स्लिप इज वेरी लो. व्हाई द वैल्यू ऑफ स्लिप इज वेरी लो? बिकॉज एन एम इज प्रीटी क्लोज टू एन सिंक्रोनस. नो लोड के ऊपर आपके पास जो मोटर होती है दैट इज एक्चुअली रोटेटिंग एट अ स्पीड विच इज वेरी क्लोज टू द सिंक्रोनस स्पीड. ठीक है, सो देयर फॉर द वैल्यू ऑफ एस इज गोइंग टू बी वेरी लो. ठीक है, साथ साथ आपके पास एक और इफेक्ट क्या होने जा रहा है, क्योंकि एन एम इज प्रीटी क्लोज टू एन सिंक्रोनस यानी कि स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के बहुत क्लोज है, द वैल्यू ऑफ दिस वी इज गोइंग टू बी वेरी लो इनिशियली. ठीक है, और जब वैल्यू ऑफ वी इज लो देन ई इंड्यूस्ड विल बी ऑल्सो लेस. ठीक है, इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू कम होने जा रही है. एंड इफ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस वोल्टेज इज लेस तो आपके पास क्या होने वाला है कि जो रोटर में जो आपके पास करंट है दैट विल ऑल्सो बी वेरी लो. ठीक है, एंड इफ द वैल्यू ऑफ दिस रोटर करंट इज लो देन द कंसिक्वेंटली द रोटर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो विल बी वेरी लेस. तो बी आर की जो वैल्यू है वो आपके पास बहुत कम हो जाने वाली है एट नो लोड. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, यू कैन सी जो आपको वेक्टर दिखाया हुआ है बी आर में इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम दिखाया गया एट नो लोड. ठीक है, इसका इफेक्ट ऑब्वियसली आपके पास जो इंड्यूस टॉर्क है उसके ऊपर भी पड़ने जा रहा है. ओके, व्हाट एल्स, द अदर पार्ट इज दैट सिंस द वैल्यू ऑफ एस इज वेरी लो देयरफॉर दिस एफ आर इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी लो. ठीक है, क्योंकि एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ वी. और अगर इस एफ आर की वैल्यू कम है तो जो रोटर की जो रिएक्टेंस है, रोटर हैज सम रिएक्टेंस जो हमने पीछे इक्विवेलेंट सर्किट में देखा था, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन दिस एस. ठीक है, सो आप देख सकते हैं एस एक्स आर इज इक्विवेलेंट टू पाई एस इंटू एफ वी. अब चूंकि एस की वैल्यू कम है तो देयर फोर जो आपके पास रोटर की रिएक्टेंस है वो आपके पास कम होने जा रही है. तो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट में क्या था, वी हैड एन इंडक्टर. ठीक है, और इंडक्टर के साथ हमारे पास क्या था, एक रेजिस्टेंस. ठीक है, अब क्या है आपके पास चूंकि रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत कम है तो आपके पास क्या हो गया, जो सर्किट में आपके पास जो रेजिस्टिव नेचर है वो बढ़ जानी है. ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं कि जो आपको आपको यहाँ पे जो फिगर दिखाई गई है इसके अंदर आप देखिए, दिस इज योर ई आर एंड दिस इज योर आई आर. यू कैन सी दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस था, जो लैग था, वो बहुत कम हो गया. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ रेजिस्टिव बिहेवियर. ठीक है, एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे मेरे पास क्या होने जा रहा है कि आपके पास आई आर एंड ई आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे विल बी ऑलमोस्ट इन फेज विद ईच अदर. ठीक है जी, ओके. साथ साथ अगर आप यहां देखें तो दिस इज द रोटर मैग्नेटिक फील्ड जो आप यहां देख रहे हैं एंड दिस इज 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू आई आर. ठीक है, अब चूंकि आई आर और ई आर वेरी क्लोज टू ईच अदर और जो बी नेट होगी नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी अलाइन विद योर ई आर. ठीक है, सो नाउ द एंगल बिटवीन बी आर एंड बी नेट दिस विल बी प्रीटी क्लोज टू 90 डिग्री, क्योंकि आपके पास बी आर और आई आर के दरमियान एंगल कितना है जी, 90 डिग्री. और ई आर और आई आर के दरमियान जो एंगल है वो ना होने के बराबर है. तो इस वक्त जो आपके पास मशीन है दिस विल बी ऑलमोस्ट रोटेटिंग एट एन एंगल क्लोज टू दिस एंगल डेल्टा विच विल बी वेरी क्लोज टू 90 डिग्री. और जितना ये 90 डिग्री के करीब होता है उतने ही बेहतर आपके पास टॉर्क आ रहा होता है, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे आ रही है स्टूडेंट्स, एट 90 डिग्री. लेकिन जो इफेक्ट है हमारे पास बी आर का वो ज्यादा डोमिनेंट है, क्योंकि बी आर की वैल्यू इस वक्त बहुत कम है. ठीक है, बी आर की वैल्यू बहुत कम है, इस वजह से जो इंड्यूस टॉर्क है वो भी आपके पास काफी कम होता है. ठीक है, दैट टॉर्क इज एक्चुअली जस्ट इनफ टू ओवरकम द मोटर्स रोटेशनल लॉसेस, अदरवाइज टॉर्क की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है. अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो विच इज वर्थ डिस्कसिंग. सिंस द वैल्यू ऑफ बी आर एट नो लोड इज वेरी लो, ठीक है, देन आपके पास जो बी नेट है, क्योंकि बी नेट रिमेन्स सेम, इट हैज टू रिमेन कॉन्स्टेंट, तो आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास किसने प्रोवाइड करनी है, वो स्टेटर ने प्रोवाइड करनी है. इसका मतलब ये है कि आपको ज्यादा स्टेटर करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, यही वजह है कि आपके पास जो इंडक्शन मोटर्स है दे हैव एक्चुअली लार्ज नो लोड करंट्स कंपेयर टू अदर मशीन्स. आपको ज्यादा नो लोड करंट प्रोवाइड करना पड़ता है फ्रॉम द स्टेटर साइड. ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट वेन मशीन इज एट नो लोड. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस वेन मशीन इज लोडेड. ठीक है, सो लेट मी रब दिस आउट एंड देन वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ मशीन एट लोड. अब जब मशीन हमारे पास लोडेड होगी तो इसका इफेक्ट आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी डिस्कशन ये कर चुके हैं. जब आपके पास मशीन आपके पास
जब आप मशीन को लोड करेंगे तो आपके पास क्या होने जा रहा है कि जो रोटर की जो स्पीड है वो कम हो जानी है, ठीक है। एंड व्हेन द स्पीड ऑफ द रोटर डिक्रीजेस दिस एनएम, इफ दिस डिक्रीजेस देन आपके पास क्या होने जा रहा है, जो स्लिप की वैल्यू है वो बढ़ जानी है। स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास एफ आर की वैल्यू बढ़ेगी एंड सिमिलरली दिस एक्स आर विल इंक्रीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आपके पास एन एम की वैल्यू कम होने जा रही है तो द रिलेटिव वैल्यू ऑफ दिस रिलेटिव मोशन दिस वी इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। अब क्या होगा, वी की वैल्यू हमारे पास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। सो एज वी इंक्रीजेस यूर इंड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन, ठीक है। ई इंड्यूस बढ़ेगा तो आपके पास क्या होगा, आई आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। जब आई आर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास क्या होगा, दिस आई आर इंक्रीजेस एंड एज दिस इंक्रीजेस योर रोटर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। ये चीज आपको फिगर में भी ऊपर नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको पिछले रिलेशनशिप का कंसेप्ट होना जरूरी है, तभी मैंने इन रिलेशनशिप को यहाँ दिखाया था, ठीक है। नाउ यू सी रोटर मैग्नेटिक फील्ड हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। एंड देयर इज अनदर इफेक्ट एज वेल, यू सी नाउ दिस आई आर एंड ई आर दे हैव नाउ अ फेज डिफरेंस व्हिच इज कंपैरेटिवली लार्जर देन द प्रीवियस केस, ठीक है। एंड दिस इज थीटा आर जो रिप्रेजेंट करेगा पावर फैक्टर ऑफ द रोटर, थीटा आर जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं देख लूं तो मेरे पास क्या होने जा रहा है यहाँ पे, अब एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, व्हाट इज गोइंग टू बी इफेक्ट ऑन द टॉर्क। नाउ यू सी दैट बी आर इज इंक्रीजिंग, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या इफेक्ट होने जा रहा है। आप इनिशियली हो सकते हैं कहें कि जी टॉर्क इज गोइंग टू इंक्रीज, फाइन इट मेक सेंस, ऐसा होना भी चाहिए और ऐसा होता भी है, लेकिन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन दिस टर्म डेल्टा। ये जो हम यहाँ डेल्टा देख रहे हैं, अब देखिए इस डेल्टा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है, उसके लिए लेट्स हैव अ लुक एट दिस फिगर। दिस इज योर डेल्टा जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं एंगल, एंड डेल्टा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इट इज दिस 90 डिग्री जो कि बी आर और आई आर के दरमियान है प्लस थीटा आर। अब देखिए यहाँ पे जो थीटा आर था दिस वॉज वेरी लो, सो मशीन वॉज प्रिटी क्लोज टू 90 डिग्री, बट हेयर द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज एक्चुअली डेविएटिंग फ्रॉम 90 डिग्री, 90 डिग्री से चेंज होती जा रही है, दूर होती जा रही है। जितनी आपके पास साइन की वैल्यू 90 के करीब होती है उतनी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती है, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास दिस एंगल इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एज साइन डेल्टा इंक्रीजेस द इफेक्ट इज दैट योर साइन डेल्टा डिक्रीजेस, ठीक है, दिस साइन डेल्टा डिक्रीजेस। तो एक इफेक्ट है आपके पास जो बढ़ा रहा है और दूसरा इफेक्ट है जो आपके पास क्या कर रहा है, टॉर्क को कम कर रहा है। लेकिन जनरली जो पहला इफेक्ट है दिस इफेक्ट बी आर इंक्रीज इन बी आर, दिस एक्चुअली डोमिनेट्स दिस इफेक्ट, देयरफॉर हमारे पास होता क्या है कि द टॉर्क इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पहला इफेक्ट इट इज लार्जर देन द सेकेंड इफेक्ट एंड देयरफॉर द ओवरऑल इंड्यूस्ड टॉर्क इंक्रीजेस, ठीक है, टू सप्लाई द मोटर्स इंक्रीज लोड। क्यों क्यों हो रहा है आपके पास, क्योंकि आपके पास लोड बढ़ गया है, देयरफॉर आपके पास क्या होने जा रहा है कि इंड्यूस्ड टॉर्क इट हैज टू इंक्रीज। सो स्टूडेंट वी हैड अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस स्लाइड एंड आई होप ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी पिछली स्लाइड में हमने ये देखा कि जैसे जैसे आप लोड को बढ़ा रहे हैं तो आपके पास टॉर्क बेसिकली इंक्रीज होना शुरू हो रहा है, लेकिन देर विल बी अ पॉइंट वेयर द टॉर्क विल अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग। वाई, क्योंकि हमने पीछे एक इफेक्ट देखा था, इनफैक्ट दो इफेक्ट हमने देखे थे। एक इफेक्ट क्या था कि आपके पास जो बी आर की वैल्यू है दैट वॉज इंक्रीजिंग, वेयर एज दूसरा इफेक्ट क्या था कि आपके पास डेल्टा वैल्यू वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग, कंसिक्वेंटली द वैल्यू ऑफ साइन डेल्टा वॉज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इनिशियली टू अ सर्टेन एक्सटेंट द फर्स्ट इफेक्ट एक्चुअली डोमिनेट्स, यानी बी आर डोमिनेट्स द अदर इफेक्ट, देयरफॉर द टॉर्क इज इंक्रीजिंग, बट देयर इज अ पॉइंट एट व्हिच आफ्टर व्हिच द टॉर्क स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पुल आउट टॉर्क, यानी मैक्सिमम टॉर्क जो मशीन आपको प्रोवाइड करती है दैट पॉइंट दैट टॉर्क इज कॉल्ड द पुल आउट टॉर्क, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे इफेक्ट देखा था, देखिए बी आर की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन साथ साथ दिस थीटा आर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, therefore delta is also increasing because delta is 90 plus theta r. theta r की वैल्यू क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि because अब आपके पास जो x r है उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो रिएक्टिव जो उसकी प्रॉपर्टी है वो ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है, therefore the current and the voltage are lagging each other, ठीक है। एट नो लोड आपके पास x r की वैल्यू ना होने के बराबर थी, therefore the value of theta r was almost equal to zero or close to zero. So, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास पुल आउट टॉर्क किस पॉइंट के ऊपर आएगा, इसका जवाब आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है कि दिस हैपेंस व्हेन द पॉइंट इज रीच वेयर एज द लोड ऑन द शाफ्ट इज इंक्रीज्ड
द साइन डेल्टा टर्म डिक्रीजेज मोर देन द बी आर टर्म इंक्रीजेज, यानी कि वो पॉइंट जहां पे सेकंड टर्म आपके पास साइन डेल्टा वाली टर्म बी आर को डोमिनेट कर जाए, दैट पॉइंट विल गिव यू द पुल आउट टॉर्क। इस पॉइंट के बाद आपके पास क्या होने जा रहा है कि इसके बाद आप अगर लोड को बढ़ाएंगे तो आपके पास टॉर्क आपके पास मजीद नहीं बढ़ने वाला, इनफैक्ट स्लोली ग्रेजुअली आपके पास मोटर इज गोइंग टू स्टॉप। ओके जी, अब हमारे पास हमें कुछ और रिलेशनशिप डिराइव करने हैं। कौन से रिलेशनशिप हमने ड्राइव करने हैं? वी वांट टू नो यूज दिस नॉलेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मशीन्स मैग्नेटिक फील्ड टू ड्राइव द आउटपुट टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडक्शन मोटर। ठीक है, यही हमारा गोल है। वी वांट टू फाइंड आउट द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडक्शन मोटर। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? उसके लिए वी हैव टू यूज दिस रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप में हमें मालूम है कि देयर आर थ्री टर्म्स जो कि बेसिकली डिटरमाइन करेंगे कि टॉर्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है। सो वन इज बी आर, द अदर इज बी नेट, एंड द थर्ड इज साइन डेल्टा। इनको हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिए, अब हम इनको प्लॉट करने जा रहे हैं, और उसके बाद वी विल बी एबल टू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड द स्पीड। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दीज टर्म्स इंडिविजुअल। ओके, जो पहली टर्म हमारे पास है दिस इज बी आर, लेट्स डिस्कस दिस एंड ट्राई टू प्लॉट दिस वर्सेस स्पीड। ठीक है, अब देखिए बी आर का रिलेशनशिप हमने पीछे देखा था कि किस तरीके से बी आर पे इफेक्ट पड़ने जा रहा है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द रोटर, अगर रोटर में करंट बढ़ेगा तो बी आर की वैल्यू बढ़ने जाएगी यकीनन। ठीक है, लेकिन रिमेंबर वी हैव मैग्नेटिक मटेरियल, सो देयरफॉर इज देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ सैचुरेशन, क्योंकि आफ्टर सम टाइम इवन इफ यू इंक्रीज द करंट द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट इंक्रीज फर्दर। व्हाई? बिकॉज मटेरियल आपके पास क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है। अब अभी पीछे आपने देखा था कि जैसे जैसे आप लोड अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो रोटर की स्पीड है वो कम होनी शुरू हो जाती है, और जब रोटर की स्पीड कम होती है तो स्लिप की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, इनिशियली एट नो लोड हमने देखा था कि जो रोटर था दैट वाज एट ऑलमोस्ट रनिंग एट वेरी क्लोज टू द सिंक्रोनस स्पीड, उस केस में क्या था, स्लिप की वैल्यू ना होने के बराबर थी, जीरो के करीब थी। ठीक है, एंड एट दैट पॉइंट देयर वाज ऑलमोस्ट नो करंट एंड वेरी लो रोटर मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे लोड की वैल्यू बढ़ी हमारे पास क्या हुआ था, बी आर की वैल्यू बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इंड्यूस वोल्टेज था, जो रोटर पे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन रिलेटिव मोशन, इट इंक्रीज, देयरफॉर द इंड्यूस वोल्टेज इंक्रीज एंड दस करंट ऑल्सो इंक्रीज, एंड एज करंट इंक्रीज द रोटर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीज। सो इफ यू प्लॉट इट अगेंस्ट स्पीड दिस विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, हैव अ लुक, दिस इज माई एन एम, यानी रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर रोटर की मैग्नेटिक फील्ड लेट्स सपोज एट एन सिंक्रोनस है, सेम स्पीड के ऊपर है, यानी nm इज इक्वल टू n सिंक्रोनस, इस कर्व को आप यहां से रीड करें। ठीक है, इस पॉइंट से, सो एट दिस पॉइंट nm इज इक्वल टू n सिंक्रोनस व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, एंड इफ दीस टू आर सेम देन देयर इज नो करंट। ठीक है, देयर इज नो वोल्टेज इंड्यूस, रिलेटिव मोशन इज जीरो, देयरफॉर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल। ठीक है, करंट नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे जैसे रोटर लोड आपने लोड अप्लाई किया, जब आप लोड अप्लाई करेंगे तो दिस इज गोइंग टू चेंज दिस वे। ठीक है, अब आपके पास क्या हो रहा है, रोटर की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही है। ठीक है, रोटर की अब इस पॉइंट के ऊपर है, अब आप इस पॉइंट के ऊपर है, और फिर आप इस पॉइंट के ऊपर है, तो हो क्या रहा है कि आपकी जो रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ऑब्वियसली टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जिसके बाद वो आके सैचुरेट हो जाएगी। सो यू सी दैट द करंट फ्लो इन द रोटर इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग स्लिप। ठीक है, सो अगर हम यहां से जा रहे हैं फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, आपके पास क्या हो रहा है, द वैल्यू ऑफ स्लिप इज इंक्रीजिंग और द स्पीड ऑफ द रोटर इज डिक्रीजिंग। सो दिस इज वन ऑफ द इफेक्ट, बी आर वर्सेस एन एम। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द अदर टर्म बी नेट, हमें मालूम है बी नेट हम देख चुके थे कि बी नेट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन द सेम। वाई? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन आवर टर्म इवन, जिसके बारे में हम अजम्पशन है हमारी कि इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, सो बी आर बी नेट का जो कर्व बनने वाला है दिस विल बी लाइक दिस, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑन इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन लोड। सो बेसिकली ये जितनी भी हम एफर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम किस लिए कर रहे हैं, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हमें टॉर्क का रिलेशनशिप बनाने विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, और हमने देखा था कि टॉर्क की इक्वेशन में तीन टर्म्स होती हैं बेसिकली, वन इज बी आर, द अदर इज बी नेट, एंड द थर्ड टर्म वाज साइन डेल्टा। देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज के, जो कि मशीन कांस्टेंट है, वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट। अब हमारे पास ये इफेक्ट रह जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन साइन डेल्टा। ठीक है,
उसके लिए वी नो जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि दिस डेल्टा इज इक्वल टू पावर फैक्टर एंगल ऑफ द रोटर प्लस 90 डिग्री. व्हाट इज द पावर फैक्टर एंगल ऑफ द रोटर, ये कौन सी टर्म है मेरे पास, दिस इज माई थीटा आर, ठीक है, एंड दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द रोटर वोल्टेज एंड द रोटर करंट. सो ई आर और आई आर के दरमियान जो आपके पास एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, ठीक है. यहाँ पे देख रहे हैं ये जो एंगल है मेरे पास, दिस इज एक्चुअली माई थीटा आर, ठीक है. ये हमने देखा था इसका इफेक्ट जब हम पीछे डिस्कस किया था. एंड व्हाट इज माय डेल्टा, डेल्टा इज एक्चुअली द कर्व, डेल्टा इज बिटवीन बी आर एंड बी नेट, ठीक है. बी नेट यही है जो इट इज इन लाइन विद ई आर, दिस इज बी नेट एंड दिस इज बी आर, एंड वी नो दैट द एंगल बिटवीन बी आर एंड आई आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है. सो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो कौन सा है, मैं अगर आपको यहाँ दिखा दूँ यहाँ से डायरेक्टली थोड़ा सा बड़ा करके जानबूझ के, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है. ये 90 डिग्री है मेरे पास एंगल, ओके जी. अब मेरे पास क्या चीज रह गई, मेरे पास रह गया डेल्टा, एंड दिस डेल्टा इज दिस 90 डिग्री प्लस दिस थीटा आर. अब यहां से आपको नजर आ रहा है, ठीक है. सो वी कैन राइट सिंपली राइट डेल्टा एज थीटा आर प्लस 90 डिग्री, ठीक है. सो इफ यू पुट इट इन द इक्वेशन साइन डेल्टा देन दिस इज माई रिलेशनशिप साइन थीटा आर प्लस 90 जो कि बराबर है कॉस थीटा ऑफ आर के, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमें ये रिलेशनशिप मालूम है. एंड दिस कॉस थीटा आर ये क्या है मेरे पास, दिस एक्चुअली द पावर फैक्टर ऑफ योर रोटर, ठीक है, ओके. अब हमारे पास ये थीटा आर कहां से हम निकाल सकते हैं, थीटा आर इज जस्ट द रियल पार्ट, सॉरी द इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट, ठीक है. मशीन की हम बात करें, एक्स आर को अगर आप पीछे जाके रोटर की इक्विवेलेंट सर्किट में देखें जो हमने ट्रांसफॉर्म नहीं किया था स्टेटर साइड के ऊपर, वी हैड एक्स आर एंड वी हैड आर आर, एंड दैट एक्स आर वॉज एक्चुअली रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्स आर नॉट एस इंटू एक्स आर नॉट डिवाइडेड बाई आर आर. इसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा आर, एंड इफ यू पुट दिस इन टू द इक्वेशन तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर पावर फैक्टर कॉस थीटा आर, एंड दैट कैन बी गिवन बाय दिस रिलेशनशिप. Okay, once we have this relationship for power factor, we can actually plot the curve for cos of theta r. ठीक है, हम इस plot को क्योंकि cos of theta r we know is equal to sine of delta, तो therefore instead of sine delta हम cos theta r ही को consider करने जा रहे हैं. अब इसमें गौर करेंगे curve किस तरीके से बनने जा रहा है. Let me show you the curve and then see कि यार does it make sense or not. This is the curve. ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम इसे इस point से discuss करना start कर रहे हैं, इस point से. At this point, what is happening at this point? If you see at this point, the value of slip is equal to zero. Okay, slip is zero because NM is equal to N synchronous. So if slip is equal to zero, then this term will be zero, and tangent inverse of zero will be zero, and cos of zero will come out to be one. Okay, ये ही वजह है कि आपको initially जो ये power factor मिले cos theta r जो मिल रहा है, this is equivalent to one. जैसे-जैसे आपके पास आप load को बढ़ा रहे हैं, आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे, जो स्लिप की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है. ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्लिप इज इंक्रीजिंग दिस वे, एंड एज द वैल्यू ऑफ स्लिप इंक्रीजेस तो आपके पास क्या हो रहा है कि ये जो टर्म है वो ऐसा ऐसा डिक्रीज होती जा रही है. सो आई होप दिस इज ऑल्सो मेकिंग सेंस टू यू. सो नाउ यू नो कि आपके पास जो तीसरी टर्म है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड. सो वंस वी हैव द थ्री टर्म्स देन वी नाउ आर रेडी टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन the torque and the speed, or to plot the curve between the torque and the speed of the machine. Okay students, so ye hamare paas equation hai jo humne pehle bhi discuss ki thi. Ab hamare paas teen effect aa chuke hain with respect to speed. So vr with respect to speed, v net with respect to speed, and sin delta which is equal to cos theta r in terms of speed. Ab agar hum teenon curves ko graphically multiply kare, we will be able to have a curve for induced torque with respect to स्पीड, और जो किस तरीके जो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कर्व, ठीक है, और इस कर्व को बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू थ्री रीजंस. तो पहले रीजन को देखते हैं, पहला रीजन विच इज कॉल्ड द लो स्लिप रीजन. लो स्लिप मुझे कहाँ मिलने जा रहा है स्टूडेंट, स्लिप की वैल्यू लो कहाँ होने वाली है, स्लिप की वैल्यू जो लो होने वाली है वो कुछ इस रीजन में आसपास होने जा रही है. ठीक है, बिकॉज एट दिस पॉइंट अगर मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर बात करूँ तो वैल्यू ऑफ स्लिप इज इक्वल टू जीरो. ठीक है जी, सो इन दिस रीजन हमारे पास क्या हो रहा है कि जो मोटर की जो स्लिप है इट इज इंक्रीजिंग अगेन लीनियरली विद इंक्रीजिंग लोड. ठीक है, द मोटर स्लिप इंक्रीजेस अप्रोक्सीमेटली लीनियरली विद द इंक्रीजिंग लोड.
एंड द रोटर मैकेनिकल स्पीड डिक्रीजेज अप्रोक्सीमेटली लीनियर विद लोड, आपके पास स्पीड भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है जी। और ये कौन से रीजन है, ये वो रीजन है जिसके अंदर चूंकि एस की वैल्यू बहुत कम है, क्लोज टू जीरो है, तो जो रोटर की जो रिएक्टेंस है एक्स आर जिसको हमने देखा था वो आपके पास निग्लिजिबल है, और रोटर का जो पावर फैक्टर है इट इज अप्रोक्सीमेटली यूनिटी, हम इस रीजन के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं बकिया इफेक्ट भी हमने देख लिया है कि दिस इज कॉस थीटा, और यहाँ यहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं रिलेशनशिप को। सो दिस इज माय फर्स्ट रीजन। और इसके बाद जो अगला रीजन है जिसको मॉडरेट स्लिप रीजन कहते हैं, ठीक है, उस रीजन में हमारे पास क्या होने जा रहा है, जिस रीजन को मैं सम हाउ कुछ अगर किसी और से दिखा सकूं कलर से, तो दिस इज समवेयर हियर, ठीक है, ये जो रीजन है इनके दरमियान, इस रीजन में हमारे पास क्या होने जा रहा है, अब जो रोटर की फ्रीक्वेंसी वो बढ़ चुकी है आपके पास, और रोटर की जो रिएक्टेंस है दिस इज ऑल्सो ऑन द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज द रोटर रेजिस्टेंस, यानी कि अब आपके पास जो इंडक्टिव बिहेवियर है वो आपको ज्यादा नजर आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है, जो रोटर करंट है आपके पास, दिस रोटर करंट नो लॉन्गर इंक्रीजेज एज रैपिडली एज बिफोर, क्यों, क्योंकि आप देखिए इनिशियली आपके पास बहुत तेजी से कर्व बढ़ रहा था इस पॉइंट तक, अब इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो ये जो रीजन है आपके पास, अगर मैं इसको किसी हाईलाइटर से आपको दिखा सकूं, यहाँ पे जो आपके पास रीजन है स्टूडेंट्स, ये वो रीजन है जिसमें आपके पास आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल सेचुरेट होने के करीब आता जा रहा है, ठीक है, एंड पावर फैक्टर स्टार्ट्स टू डिप एज वेल, सो इस रीजन में अब आपके पास पावर फैक्टर भी गिरना शुरू कर रहा है आपके पास। तो होता क्या है, ये वो रीजन है जिसके ऊपर मुझे पुल आउट जो टॉर्क होता है, जो मैक्सिमम टॉर्क होता है, दिस अकर्स, ठीक है, दिस इज माई पुल आउट टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। इसके बाद मजीद अगर आप लोड को बढ़ाएंगे तो आपके पास क्या होने जा रहा है, इसके बाद अब आपके पास टॉर्क जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो पुल आउट टॉर्क वो पॉइंट है जहां पे आपके पास जो बी आर का इफेक्ट है और साइन डेल्टा वाला जो इफेक्ट है, दे आर एग्जैक्टली क्लोज टू ईच अदर। आफ्टर दिस पॉइंट द अदर पॉइंट द सेकेंड टर्म विच इज साइन डेल्टा टर्म, दिस विल डोमिनेट एंड द टॉर्क विल स्टार्ट टू डिक्रीज। ओके जी, जो लास्ट रीजन है विच इज द हाई स्लिप रीजन, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं कहीं आस पास, सो इट इज समवेयर हियर, ठीक है, अगर मैं इसको इस कर्व के ऊपर दिखा सकूँ, दिस इज समवेयर हियर, दिस इज द रीजन वेयर एक्चुअली टॉर्क डिक्रीजेज, ठीक है। टॉर्क क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस रीजन में जो करंट का इंक्रीज है वो ना होने के बराबर है एज कम्पेयर टू द डिक्रीज इन दिस साइन डेल्टा टर्म, ठीक है। तो साइन डेल्टा की जो वैल्यू है वो बहुत तेजी से आपके पास गिर रही है, ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखाऊं, दिस साइन डेल्टा इज डिक्रीजिंग वेरी रैपिडली, जबकि बी आर की जो वैल्यू उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, देयर फॉर कंसिक्वेंटली योर टॉर्क डिक्रीजेस। सो दीज आर द थ्री रीजन्स, और इस तरीके से हम इस कर्व को एनालाइज करते हैं। सो आई होप नाउ यू नो कि ये कर्व किस तरीके से आ रहा है एंड हाउ टू एनालाइज दिस कर्व। दिस इज द एंटायर डिस्कशन जो हमने पिछली स्लाइड में किया था, उनको यहाँ रिटन फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। सो शुड यू हैव एनी क्वेश्चंस या आप दोबारा उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि किस तरीके से टॉर्क और स्पीड की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरीके से वेरी कर रही होती है। नाउ वट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप और द वी वॉन्ट टू डिराइव द रिलेशनशिप फॉर द इंड्यूस टॉर्क इन एन इंडक्शन मशीन, ठीक है। तो उसके लिए ये रिलेशनशिप हमने पिछली स्लाइड में देखा था, पिछली कई स्लाइड में, इनफैक्ट पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि टॉर्क इंड्यूस इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप, ठीक है, पावर ए जी इंटू ओमेगा सिंक्रोनस। और साथ साथ हमें मालूम है कि एयर गैप पावर की अगर आप बात करते हैं, दिस इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप फॉर पर फेस, ठीक है, आई टू स्क्वायर इंटू आर टू और एस, ठीक है। बाय द वे पावर एयर गैप कौन सी पावर है जो हमें यहां मिल रही है इस पॉइंट के ऊपर, दिस इज माई पावर एयर गैप। सो फॉर पर फेज सर्किट दिस इज द एयर गैप पावर, एंड फॉर द थ्री फेज मशीन द ओवरऑल एयर गैप पावर इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में आप देख सकते हैं इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई टू, यू विल गेट टू नो द वैल्यू ऑफ एयर गैप पावर, एंड इफ यू नो द वैल्यू ऑफ आई टू, सॉरी इफ यू नो द वैल्यू ऑफ एयर गैप, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द रिलेशनशिप फॉर इंड्यूस टॉर्क इन टर्म्स ऑफ द सर्किट पैरामीटर्स। सो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस आई टू, इसको आप डिफरेंट तरीकों से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, बट एक जो सबसे आसान तरीका है इट इज फाइंडिंग आउट द इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट, ठीक है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली वी हैव अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन हम कहाँ यूज करते हैं, वो पार्ट जो हमारे पास सर्किट में जो बहुत ज्यादा वेरी नहीं हो रहा होता, उस पार्ट के को हम
थेवनिन से रिप्लेस कर देना इक्विवेलेंट सर्किट से, ठीक है। हमारे पास लोड पार्ट रहता है क्योंकि ये पार्ट हमारे पास इट्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, इट्स नॉट वेरिंग दैट मच, देयरफॉर इसकी जगह पे हम इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं थेवनिन का, ठीक है। तो थेवनिन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा हमारे पास, वी शैल हैव थेवनिन वोल्टेज, ठीक है, एंड वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद माय थेवनिन इंपेडेंस, ठीक है, जिसको हम जेड थेवनिन कह रहे होंगे, ठीक है। और जेड थेवनिन के दो पार्ट हो सकते हैं, एक उसका रियल पार्ट हो सकता है और एक उसके साथ साथ उसका इमेजिनरी हो सकता है। तो जेड थेवनिन विल बी इक्विवेलेंट टू आर थेवनिन प्लस जे एक्स थेवनिन, ठीक है जी। तो जब थेवनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वी हैव टू फाइंड थेवनिन वोल्टेज एंड द जेड थेवनिन। तो थेवनिन वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम जो जिस पॉइंट के ऊपर हमें करना है उसको ओपन सर्किट कर देते हैं, ठीक है। यानी ये जो टर्मिनल्स है हमारे पास, इनको हम ओपन सर्किट कर देंगे एंड वी शैल हैव दिस सर्किट लेफ्ट, और इसके जरिए से हम थेवनिन वोल्टेज निकाल सकते हैं। एंड यू नो हाउ टू फाइंड दिस थेवनिन वोल्टेज बाय सिंपली यूजिंग द वोल्टेज डिवाइडर रूल। व्हाट अबाउट जेड थेवनिन स्टूडेंट्स, फॉर जेड थेवनिन हम क्या करते थे कि हम जो सोर्सेज थे उनको किल करते थे, किस तरीके से कि वोल्टेज सोर्सेज को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे एंड वी विल देन फाइंड आउट द जेड थेवनिन। तो जब वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट करेंगे तो दिस विल बी द सर्किट एंड नाउ जेड थेवनिन इज जस्ट सिंपली द इक्विवेलेंट इंपेडेंस व्हिच विल बी जेएक्सएम पैरेलल विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ जेएक्स1 एंड आर1, ठीक है। सो एक दफा जब आपने ये पैरामीटर्स निकाल लिए देन योर इक्विवेलेंट सर्किट इज रेडी, और आप क्या करेंगे फिर उसके साथ अपने जो रोटर पार्ट है उसको भी सर्किट में आप इंक्लूड कर देंगे। सो देन ओवरऑल सर्किट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। Okay students, now let's find out the value of this Thevenin voltage by simply applying the voltage divider rule, ठीक है। तो voltage divider rule आपको मालूम है, दोनों resistances series में है, one is Zm, Zm is this and this is your Z1 which is X, Jx1 plus R1. जब आप voltage divider use करेंगे then this will be your Thevenin voltage. So अब अगर आप इसका magnitude की बात करते हैं तो magnitude is given by this relationship. सिंपली आपके पास आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास इसके पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद अंडर रूट लेते हैं ऑब्वियसली। सो दिस इज योर रिलेशनशिप फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ थेवेनिन वोल्टेज। अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि जो आपके पास जो ये इंपेडेंसेज होती हैं, दिस एक्स वन इज प्रीटी स्मॉल देन एक्स एम, और आर एम की वैल्यू भी बहुत स्मॉल होती है। सो वी हैव दिस दिस रिलेशनशिप दैट एक्स एम इज वेरी लार्ज देन एक्स वन एंड एक्स एम इज लार्जर देन वेरी वेरी लार्ज देन आर वन। तो आपके पास क्या होता है कि ये जो R1 वाला इफेक्ट है ये तकरीबन आपके पास दिस टर्म बिकम्स वेरी लेस, ठीक है, दिस टर्म बिकम्स स्मॉलर एज कम्पेयर टू द अदर टर्म। सो हम इस टर्म को सिंपली क्या करने जा रहे हैं, इसको निगलेक्ट करने जा रहे हैं, इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय जीरो, ठीक है जी। तो उसके पास आपके पास इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल हैव दिस टर्म। सो वी थेवेनिन इज क्लोज टू वी फाइव इंटू एक्स एम डिवाइडेड बाय एक्स वन प्लस एक्स एम, ठीक है। तो ये हमने रिलेशनशिप ड्राइव कर लिया। वैसे अगर आप देखें इसको मजीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यू विल सी दैट वी थेवेनिन विल बी क्लोज टू वी फाइव बिकॉज एक्स वन इज प्रीटी लेस देन एक्स एम, ठीक है। बट हम फिलहाल इसको यहीं तक सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट द थेवेनिन इंपेडेंस, एंड नाउ फाइंडिंग आउट द थेवेनिन इंपेडेंस इज प्रीटी इजी। अगेन आपने सिर्फ पुराने सर्किट थ्योरी के रूल्स अप्लाई करने, and when you do so you will find out that the Thevenin equivalent resistance is or the impedance is given by this relationship jo aapko yahan nazar aa raha hai, theek hai. Ab now this relationship can be divided into two parts, a real part and a imaginary part, yani ki fir usse aap r thevenin aur x thevenin ki value nikal lenge, theek hai. To aap uske liye kya karna padta hai, aapko ise conjugate se multiply karna padega. Conjugate se multiply kijiye and then you will see कि आपके पास जो इक्विवेलेंट आर थेवनिन और एक्स थेवनिन है इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे इस तरीके से आ रही होगी। यहाँ पे हमने कुछ अजम्पशंस लिए, क्या अजम्पशन लिए कि दैट एक्स एम इज ग्रेटर ग्रेटर देन एक्स वन एंड एक्स एम प्लस एक्स वन इज ग्रेटर ग्रेटर देन आर वन, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है आपके पास, इसमें दिस आर वन विल बी निग्लिजिबल। तो आप इसको करके देखिएगा, यू विल सी दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, या जो सिंप्लीफिकेशन होने के बाद दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। Please solve it and if you find problem we can discuss in our interactive session. So finally we have our V Thevenin and we have our Z Thevenin, ठीक है जी। ये चीजें हमें पता चल चुकी हैं, this is my Z Thevenin, दोनों को मिलाकर अगर हम देखें। अब मैं क्या कर सकता हूँ, I can find out the value of my I2, because I2 की वैल्यू जब मुझे पता चल जाएगी I will be able to write down the equation for PEAG, air gap power, and from there I will be able to write down the I will be able to write down the equation for my induced torque, ठीक है।
सो अगेन बेसिक सर्किट थ्योरी यूज करते हुए दिस इज द रिलेशनशिप, इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट दिस रिलेशनशिप, और अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप, ठीक है। सो आपके पास रियल पार्ट को आप एक साथ करके स्क्वायर कर लीजिए और इमेजिनरी को भी एक साथ करके स्क्वायर कीजिए और फाइनली इनका अंडर रूट कीजिए। ये आपको मालूम है कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। वंस यू नो आई टू यू कैन देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पावर एयर गैप, ठीक है जी। दिस इज दिस रिलेशनशिप, पुटिंग इट इन टू द इक्वेशन यू विल गेट दिस, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर योर इंड्यूस्ड टॉर्क, ठीक है। पुट इट इनटू द इक्वेशन एंड यू हैव दिस फाइनल इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड टॉर्क, ठीक है। सो बेसिकली हमने कुछ नया नहीं किया है, हमने सिर्फ ये किया कि हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाया और वहां से हमने थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू निकाली और थेवेनिन इंपेडेंस की वैल्यू निकालने के बाद हमने आई टू को फाइंड आउट किया, एंड फ्रॉम आई टू वी जस्ट वर एबल टू फाइंड आउट पी ए जी, एंड फ्रॉम एयर गैप पावर वी वर एबल टू फाइंड आउट और ड्राइव द इक्वेशन फॉर अवर इंड्यूस्ड टॉर्क। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। इस इक्वेशन की बेसिस के ऊपर जो हमें कुछ ग्राफिकल डिस्कशन करनी है दैट वी शैल कंटिन्यू इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्यूरीज प्लीज राइट डाउन मी एन ईमेल और यू कैन जॉइन मी ड्यूरिंग अवर इंटरेक्टिव सेशन एज पर द ऑफिशियल टाइम टेबल। टिल देन इट्स मोहम्मद वेस साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।